अज गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब असी हुम मा के संगत ने सारे ने मनाया। चार ईस्वी दे विच जदों ये पहली यात्रा रामसर साहिब तो लैके श्री दरबार साहब अमृतसर सचखंड विखे गुरु ग्रंथ साहब की यात्रा हुई और पहला प्रकाश किया गया श्री गुरु ग्रंथ साहब का, उस मर्यादा को कायम रखदिया होया ये यात्रा जाती है नगर कीर्तन के फॉर्म के अज सवेर के वेले जो किया गया SGPC वालों सानू सहायता दी गई कि ये जिहड़ा नगर कीर्तन है इसनू असी बिल्कुल साफ सुथरे ढंग नाल मनाईए। तो इस पक्षों ईको सिख ने ईको अमृतसर ने यतन किया कि नौजवानों नू लै के और सारिआं नू प्रेरिया जाए और कहा जाए कि जिथे कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अगे सारा अपना साफ सफाई रखते हाँ, असी पानी वरताने हाँ, असी फुलां वरसाने हाँ, उत्थे यात्रा जदों लंघ जाती है और पिछे पिछे भी सानू देख के रखना चाहिए कि असी गंदगी ना छड़ के जाइए। इस यात्रा के दौरान ये भी सारे नू अरदास की गई कि जिन्हां ने छबीला लाउणियां ने उस स्टायरोफोम या प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करन, सगो पुराने जिदा असी हमेशा करते आए हैं उदों अपना पत्र जिहड़े ने उन्हां दा इस्तेमाल किया जाए। मैं बहुत खुशी है कि सारी संगत ने इस गल नू बहुत सलाया और ये भी आख्या कि अगों तो असी बिल्कुल इस ढंग दे नाल अपना नगर कीर्तन मनावांगे और साफ सुथरेपन दे उपर भी पूरा ध्यान दिता जाएगा। नौजवान संगत खालसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वालों भी आई, मैं उन्हां दा तहे दिलों ऋणी हाँ कि उन्हां सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करके सेवा निभाई। शायद 50-60 बैग वड़े भर के जो गंद वगैरह जो इकट्ठा होया जो कुछ अपना उत्थे छबीला वगैरह तो सुटीदा पिया सी उसनू भी चुक चुका के हर एक चीज़ नू और सारे बाजारां नू सारे रस्ते नू साफ सुथरा छड़ के ते ए अपना नगर कीर्तन अपने स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब जी अकाल तख्त साहिब तक पहुँचे।